फ्रेंड, मैं नित्यानंद सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पार्ट 7 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सी वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज का कुछ एग्जांपल सॉल्व करके और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है तो बहुत ईजी एक्सरसाइज, बट ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर और इक्वेशन का फॉर्मेशन करता है। अगर इसको सही ढंग से पढ़कर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो इसके बाद इसका सोल्यूशन काफी इजी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, कि 8 chairs and 5 tables फॉर अ क्लासरूम कॉस्ट ₹10,500 while 5 chairs and 3 tables कॉस्ट ₹6,450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल। अब यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर बी एक्स एंड वन टेबल बी वाई, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x + 5y = 10,500। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 5 chairs and 3 tables = 6450। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब इसको आप जिस प्रोसेस से विचार हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या फिर एलिमिनेशन प्रोसेस हो, सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड फॉर्म कर लिए। अब ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 5 वी गेट 24x + 15y = 31,500 एंड 25x + 15y = 22,250। अब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज हो जाता है जो आप देख रहे हैं। तो 24x - 25x = -x, ये तो कैंसिल हो गया। इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -750। x = 750, डेट मीन्स कि वन चेयर का कॉस्ट जो है वो 750 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 8 × 750 + 5y = 10,500। 8 से 750 को मल्टीप्लाई किए, 6000 + 5y = 10,500। तो 5y = हो गया 10,500 - 6000 = 4,500। देन y = 4,500 / 5 = 900। तो इस तरह से वन टेबल का कॉस्ट 900 और वन चेयर का कॉस्ट 750 रुपीज हुआ। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें। सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। फाइंड द नंबर्स। सोल्यूशन में लेट फर्स्ट नंबर वी एक्स एंड सेकेंड नंबर वी वाई, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 8। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और 1x + 1y = 8/15, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट एक्स वाई को एलसीएम लिए तो एक्स वाई हो गया, और इसको सिंप्लीफाई किए तो y + x = 8/15। x + y का वैल्यू है तो 8/xy = 8/15। 8 कैंसिल हो गया, xy = 15। अब यहाँ हम लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे कि x - y² = x + y² - 4xy। x - y² = x + y = given था 8 का स्क्वायर -4 × 15, देन x - y² = 8² = 64 - 60 = 4, देन x - y = 2। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। फिर इक्वेशन फर्स्ट को हम यहाँ लाए तो x + y = 8, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो y कैंसिल हो जा रहा है, 2x = 10, देन x = 5। अब x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम y फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में पुट किए तो x का वैल्यू 5 है, तो 5 + y = 8, देन y = 3। तो फर्स्ट नंबर आपका 5 आ गया और सेकेंड नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। टू डिजिट नंबर इज 4 times the sum of the digits and 2x the product of the digits, फाइंड द नंबर।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4y हो जाएगा, तो 10x माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4y इक्वल टू 0, तो इसको माइनस करने के बाद 6x माइनस 3y इक्वल टू 0, अब यहां से हम लोग 3 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड आपका 10x प्लस वाई इक्वल टू 2xy है, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो y कैंसिल हो जाता है और 12x इक्वल टू 2xy, यहाँ x कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हुआ तो 6, तो y इक्वल टू 6 हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके हम x निकाल लेंगे, तो यहाँ पुट करके x 3 आया तो नंबर हो गया 36। अब होमवर्क हम फोटो में भेज रहे हैं, इसको सॉल्व करना है।